हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अपने अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपने मेरे संडे राइड देखा होगा। जब मैं दमन गया था मेरे बाइक पे, तब से हमने माइलेज टेस्ट शुरू किया था हमारी बाइक के लिए, चेक करने के लिए कि फुल टैंक पे बाइक कितनी चलती है। तो दो तीन दिन तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हम ज़्यादा राइड नहीं किए सिटी में आने के बाद, कुछ काम था। और हमारी जो लंबी राइड होने वाली है नेक्स्ट वीक से, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे और अपना काम भी शुरू है साइड बाई साइड। तो माइलेज टेस्ट पूरा नहीं हो पाया था और काफ़ी दिन, दो तीन दिन लगे मुझे पेट्रोल ख़त्म करने में बाइक की। तो आप वो क्लिप्स देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो दो तीन दिनों में, जब मैं होप कर रहा था कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा एंड विल फाइनली कंप्लीट आवर माइलेज टेस्ट। तो चलिए पहले वो क्लिप देख लेते और फिर कंटिन्यू करते हमारा व्लॉग। तो गाइज हमने बाइक को रिफ्यूल करा लिया है। हमने ट्रिप 1 रीसेट किया था घर से निकलते वक्त टू चेक द टोटल किलोमीटर्स कवर्ड आज के ट्रिप में, और ट्रिप 2 हमने अभी रीसेट किया है बाइक को फुल टैंक फुल कराने के बाद। तो देखेंगे कि फुल टैंक पे बाइक कितना चलती है। वैसे तो हमने अभी तक पूरा टैंक खाली होने तक कभी बाइक चला ही नहीं है। विल ट्राई टू सी कि एज मच एज पॉसिबल हम कितना चला पाएंगे रिजर्व पे आने के बाद। तो डिस्टेंस जो हमने कवर किया है आज वो है अराउंड 395 हो जाएगा जब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो 395 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो फ्रॉम दमन टू चेंबूर, विच इज़ नॉट बैड, मज़ा आया। और जो दूसरी बात मैंने कहा था, जो मैंने ट्रिप 2 यूज़ किया था फ्यूल चेक करने के लिए, माइलेज चेक करने के लिए, तो जैसा अभी आप देख रहे हो लास्ट का पॉइंट अभी भी बाकी है, तो पूरा पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपलोड कर दूँ, जब भी पेट्रोल ख़त्म होगा मैं ट्रिप मीटर चेक कर लूँगा कितने किलोमीटर्स चलिए फुल टैंक पे। और अगर आप मेरे पिछले एक दो व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो या आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपने देखा हो कि हम माइलेज टेस्ट कर रहे हैं बाइक पे, अभी भी चालू है। हम दमन जाके आए फुल टैंक पे, तब से बाइक का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब हमने ज़्यादा चलाया भी नहीं है, बस एरिया में ही चलाया था मैंने थोड़ा। तो अभी भी ब्लिंक कर रही है और पेट्रोल टैंक फुल करने के बाद चल चुकी है 410 किलोमीटर्स। आई डोंट नो अगर मैं इसका पूरा पेट्रोल भी ख़त्म करने दूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस द इंजन, फ्यूल इंजेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता। एक्चुअली पेट्रोल होगा बाइक में थोड़ा, और फ्यूल इंजेक्टर टैंक के थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो जो नीचे का लेयर का पेट्रोल है वो कभी यूज़ नहीं होता है मोस्टली, आई गेस मैंने सुना है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस। तो आई जस्ट विश कि वाशी के ब्रिज पे पेट्रोल ना ख़त्म हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है अगर कोई एक व्हीकल भी बंद पड़ जाए तो। तो हमने मिरर्स तो ले लिए हैं और ये रहा हमारा फ्यूल, माइलेज टेस्ट अभी भी चालू है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, हमारी माइलेज टेस्ट आज भी चालू है। एक्चुअली बाइक बहुत कम चला रहा है, तो ये रहा हमारा पेट्रोल जो हमने कैरी किया है इन केस बाइक कहीं बीच में बंद हो जाती है तो। फिर से नेक्स्ट डे, पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो व्हाट विल डू टुडे इज़ कि अगर अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ बाहर, तो अगर तभी भी पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा है कि मेरे दूसरे व्लॉग्स होल पे डाल दिए थे, सोचा था इसका पेट्रोल ख़त्म करके माइलेज टेस्ट वाला या व्लॉग पहले डाल दूँ, और लेकिन वो तो होने से रहा। तो आई विल इंस्टॉल द मिरर्स दैट आई बॉट। तो गाइज आई डोंट नो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, क्योंकि बहुत धूल जमी है स्पीडोमीटर पे, बट वी आर नाउ कंप्लीटिंग 500 किलोमीटर्स सिंस टैंक फुल, सो ऑफिशियली वी आर डूइंग 50 किलोमीटर्स पर लीटर ऑन अ बाइक विच इज़ बोथ मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे। लेकिन इससे एक बात अच्छी है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि अभी बाइक कितनी चलती है रिज़र्व पे, देयर इज़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का रेंज विच इज़ इक्वल टू 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो पहले क्या होता था कि जैसे रिज़र्व पे आ जाती थी मैं थोड़ा सा पैनिक करता था पेट्रोल भरने के लिए,
मुझे लगता है कि भाई अभी पेट्रोल कभी भी ख़त्म हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी द केस मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी मुझे एक अच्छा अंदाज़ा मिल गया है बाइक के रेंज के बारे में। तो 500 किलोमीटर ऑन फुल टैंक इज़ मैसिव अगर आप टूरिंग के हिसाब से सोचने जाओ तो, एंड दैट टू ऑलमोस्ट 25-30% सिटी राइड है इसमें। क्योंकि जब भी मैं घर पे पहुंचा तो वी हैड डन ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, 395 टू बी प्रिसाइज। और उसमें भी जब भी हमने राइड शुरू किया तो हमने मुंबई से ठाणे के आसपास तो सिटी एरिया ही आप काउंट कर सकते हो क्योंकि ट्रैफिक होता है वहाँ पे। फिर दमन में थोड़ा हमें ट्रैफिक मिला, दमन के हाईवे पे हमें ट्रैफिक जाम मिला एक जगह पे जहाँ पे रोड का काम चालू था। तो वही वैसा वैसा जब हम वापस आए तो सिटी में पूरा टाइम चला है, तो सिटी में ऑलमोस्ट 25-30% सिटी राइड है उसमें। तो गाइस फाइनली पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वैसे अभी एक दो किलोमीटर और चलेगी, लेकिन मैं फ़िलहाल आगे बस थोड़ी छाव में जाके बाइक पार्क करूँगा और पेट्रोल को रिफ्यूल करूँगा। तो फाइनली वी हैव डिड इट गाइस, हमारी बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो गई है इतने किलोमीटर्स चलने के बाद, विच इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग, अ वेरी कमेंडेबल जॉब डन बाय आवर बाइक। तो अभी किलोमीटर्स दिखा रहे हैं 513, 14 टच हो जाएगा अभी, आई गेस वहाँ पे प्रोसेस से 515 हो जाएगा, विच विल टेक आर एवरेज टू 51.5 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इंक्लूड्स 35% सिटी यूज एंड रेस्ट वॉज हाईवे। और बाइक ने बहुत अच्छा एवरेज दिया है, ये एक्चुअली इससे ज़्यादा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। पहले बाइक को रिफ्यूल करते हैं और जाते हैं अपने एरिया में, फिर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो गया है 515 किलोमीटर्स, और अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें और थोड़ा सा पेट्रोल बचा होगा, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर पूरा नीचे तक पेट्रोल नहीं ये करता, जी हाँ उसमें और फ्यूल है। आई गेस इसमें और 5-10 किलोमीटर चलेगी बाइक, लेकिन हम उतना नहीं चलेंगे, फ्यूल इंजेक्टर पे उतना प्रेशर नहीं देंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो पेट्रोल है हम वो फिल करके अपने एरिया में जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि माइलेज कितना दिया है बाइक ने। वैसे और चल सकती है लेकिन अपने लिए इतना काफ़ी हो गया, फ्यूल इंजेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तो दिस इज़ द पेट्रोल वी हैड केप्ट। ये 1 लीटर से ज़्यादा ही है पेट्रोल क्योंकि 1.25 लीटर की बॉटल है। तो अभी पेट्रोल पंप जाएंगे और थोड़ा सा रिफ़िल कराएंगे थोड़ी देर बाद, पहले इस व्लॉग को एंड करते हैं फाइनली। तो फ्यूल इंजेक्टर को थोड़ा पंप होने देंगे, बहुत कम पेट्रोल था। थोड़ा सा पेट्रोल जाने देंगे इंजन में प्रॉपरली, लो फ्यूल पे बाइक चलाई है। तो जैसा आपने देखा 515 किलोमीटर्स ऑन फुल टैंक, इट्स अ मैसिव रेंज। अगर आप टूरिंग के हिसाब से सोचने जाओ तो बहुत बड़ी रेंज है 515 किलोमीटर्स चलना एक फुल टैंक पे। तो जो लोग बहुत बड़ी बड़ी टूर करते हैं उनको पता होगा, ऑब्वियसली आप वन स्ट्रेस में उतना नहीं कवर करोगे, बीच में ब्रेक्स लोगे, लेकिन फिर भी इट यू हैव अ पीस ऑफ माइंड कि हाँ भाई बाइक इतने चलने वाली है, तो यू डोंट हैव टू पैनिक जब पेट्रोल कम हो जाए या आपको कोई नज़दीक फ्यूल पंप ना नज़र आए। तो दैट्स वन ऑफ द केस, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि बाइक जब भी रिजर्व पे आती थी वो पेट्रोल का लास्ट पॉइंट जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाता था, मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाता था कि क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बाइक कितने किलोमीटर्स और चलने वाली है। लेकिन अब मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा कि रिज़र्व पे 2 लीटर्स होते हैं, तो जैसे बाइक का लास्ट पॉइंट ब्लिंक करने लग जाता है बाइक ऑलमोस्ट चलती है 100 किलोमीटर्स। इस बार चली है 115 किलोमीटर्स आज के केस में, तो बहुत ही एक्सेप्शनल माइलेज हमें मिला है 515 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक, जिसमें ऑलमोस्ट 32-35% सिटी ड्राइविंग थी। तो आप समझ सकते हो अगर पूरा आप हाईवे पे ही चलाओगे तो आपको इससे भी ज़्यादा एवरेज आप निकाल पाओगे, ऑलमोस्ट 55+ आप मिल जाएगा आपको एवरेज हाईवे पे अगर आप टोटली चलाओगे तो। एंड आई गेस 550 किलोमीटर्स तो क्रॉस कर लेगी ऑन अ फुल टैंक अगर आप सिर्फ हाईवे पे चलाते हो तो। हम वो भी चेक करेंगे जब हम रिसेंट राइड पे अभी निकलने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि
एक फुल टैंक कराऊंगा और थोड़े सा पेट्रोल अपने साथ कैरी कर लूँगा और हाईवे पे देखूंगा कि कितनी बाइक चलती है विदाउट रिफ्यूलिंग। तो वैसे तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स को कम फ्यूल पे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वन ऑफ केसेस में चल जाता है। जैसे इस बार हमने माइलेज टेस्ट करने के लिए देखा था, बाइक चली 515 किलोमीटर्स, विच इज़ एक्सेप्शनल, विच इज़ अनबिलीवेबल। तो हाँ, बाइक ने अभी एवरेज दिया है 50-51 के ऊपर, जो ज़्यादा हो सकता था अगर हम सिटी में थोड़ा कम चलाते या हाईवे पे हमने बहुत ज़्यादा भगाई थी बाइक को 115-120 की, थोड़ा कंटिन्यूस उस पेस पे चला रहे थे, तो उसके वजह से भी एवरेज थोड़ा सा गिर गया है। एंड हमको थोड़ी ट्रैफिक मिली थी दमन के यहाँ पे, जहाँ पे रोड का काम चालू था, ठाणे में थोड़ी ट्रैफिक मिली थी, और जब सिटी राइड भी हुई थी तभी भी बहुत ट्रैफिक जम्स में हम फंसे थे। तो ऑल एंड ऑल आपको 55+ एवरेज तो आराम से मिल जाएगा बाइक पे, विच इज़ वेरी गुड। तो जैसे मेरे पास प्रूफ है, मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, मैंने इतने दिनों से बाइक चला रहा हूँ, मैं दमन जाके आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ वन टू बिलीव। तो आई होप जितने भी एमटी राइडर्स होंगे, वो अगर उनको पता नहीं होगा कि बाइक का रेंज कितना है, बाइक कितना चल सकती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आई गेस, एंड आई होप दिस हेल्प्स। और जो एमटी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा कि बाइक कितनी चल सकती है एक फुल टैंक पे। तो दैट्स दैट, छोटा सा वीडियो था, वीडियो बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन है तो आपके लिए बहुत ही छोटा वीडियो। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे पाया मैं इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगले वीडियो में आप देख लेना, हमने कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल की है बाइक पे, इस ब्लॉग के बाद वो भी ब्लॉग आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले, एक्सेसरीज इंस्टॉल होने वाले, राइड पर जाने वाले, बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाइक की माइलेज टेस्ट हुई है, रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट हुई है, और बहुत लोगों को ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो जानना होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि हमें ऐसा एक वीडियो चाहिए जिसमें बाइक का एवरेज कितना है वो हमें बता दो। तो दिस इज़ फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।